क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉट शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉट्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें इस समय मौजूद है मुमरा के शंकर मंदिर तालाब के पास, और दो दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी यहाँ की, इस तालाब की, कि यहाँ पर किस तरह से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई थी, तालाब की जो हालात खस्ता हालात है इसको लेकर जो है उन लोगों ने खबर दी थी। और ये खबर जब प्रसारित हुई उसके बाद जो है काफ़ी हलचल भी मची है। और आपको बता दें कि आज इस वार्ड की जो नगर सेविका है सुनीता ताई, वो भी यहाँ पर विज़िट की हैं, और जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर विज़िट किए हैं। लेकिन दरअसल इन लोग का ये कहना है कि जिस तरह से इस तालाब की जो डिज़ाइनिंग की गई है, और जो इस वार्ड के नगर सेवक हैं ऐसा बताया जा रहा है इनके तरफ से कि इन्हें इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। ख़ास तौर पर यहाँ पर उत्तर भारतीय जो है तबका जो है एक बड़ा रहता है, और ऐसे में छठ पूजा जो है करने के लिए जो है यहाँ पर इस तालाब पर वो लोग आते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर जिस तरह से हालात है इसको लेकर महिलाओं में जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इस वार्ड की जो नगर सेविका है सुनीता ताई वो यहाँ पर आई हुई हैं, और जिस तरह से इस तालाब को लेकर जो खबरें चल रही हैं, जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग जो है अब धरने पर भी बैठने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपका ये कहना है कि इस तालाब की जो डिजाइनिंग की गई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई। क्यों नहीं जानकारी दी गई? क्योंकि आप लोगों का वार्ड आता है और इतना गंदा ये तालाब है, ना सीढ़ी है, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप लोग नगर सेवक हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों से संपर्क नहीं करते और इस तरह का जो है यहाँ पर बना दिया गया? नमस्ते। दो दिन से जो ये तालाब का जो ये चल रहा है, ये सब बातचीत हो रही है, हम लोग मीडिया पर देख रहे हैं, तो दो दिन पहले यहाँ के जो कार्यकर्ता है उन्होंने लेटर दिया था कि यहाँ ऐसे अभी जो छठ पूजा आ रही है और तालाब का काम पूरा हुआ नहीं है, और तालाब जो बनाया गया है वो अभी ये हमारा प्रभाग है, तो ये प्रभाग में हमारे चारों प्रभाग में जो भी ऐसा कोई बड़ा काम होता है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वो काम टाइम पर हो जाए। क्यों नहीं होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यहाँ जो ये काम का जो डिज़ाइन वगैरह सब जो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, जिन्होंने जो इंजीनियर थे, तो उन्होंने वो उसके लिए मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मतलब उसके बारे में कि डिज़ाइन कैसे बना, किस हिसाब से बना, क्योंकि यहाँ अभी मेरे दो दिन से कॉन्ट्रैक्टर लोगों से बातचीत हो रही है, तो वो ये कह रहे कि यहाँ गणपति विसर्जन के लिए बनाया, और हम कल आ रहे हैं, सुबह में आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, और वो आते नहीं, विजिट नहीं करते यहाँ। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में उत्तर भारतीय महिलाएँ छठ पूजा के लिए आती है, बहुत सालों से आती है, तो जब ये तालाब का डिज़ाइन बना तो छठ पूजा को साइड में क्यों रखा गया? तो उनका भी वही भी समाज का एक वो ध्यान देना चाहिए था कि वो समाज भी यहाँ, उनका भी हर साल यहाँ धार्मिक कार्य होता है, तो वो छठ पूजा के हिसाब से भी तालाब बनना चाहिए था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बताया आपके हिसाब से? ये तालाब की डिजाइनिंग विसर्जन के लिए बनाया है, तो उसका एंट्रेंस भी एक ही रहेगा। ये तालाब का कैसा रहता है, उसको चारों बाजू से घाट चाहिए जो छठ पूजा के लिए लगता है, तो वैसे नहीं है इधर। और कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहा है कि मैं तीन दिन से कॉन्ट्रैक्टर के पीछे हूँ, मैं आके विजिट करो, हमको बताओ, अभी इमरजेंसी छठ पूजा आ रही है, कुछ तो लोगों को पूजा के लिए सुविधा करके देंगे। वो कल आता हूँ, दोपहर में आता हूँ, सुबह में आता हूँ, अभी भी बातचीत हो गई। वो बोले अभी भी आपने कुछ टीएमसी के अधिकारियों से बातचीत की है, तो उन्होंने लोग क्या कहा वो बताइए ना, क्या कहा? अभी भी टीएमसी के अधिकारी एक दूसरे का नाम ले रहे, वो कोई डिजाइन आर्किटेक्ट का नंबर दे रहा है, कोई इंजीनियर का नंबर दे रहा है, कोई यानी नंबरों का खेल हो रहा है। इनका नंबर लो, उनसे संपर्क करो, उनका नंबर लो, उनसे संपर्क। और वही हम लोग काफी दो घंटे से इसको उसको संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर लोक प्रतिनिधि हम होके हमको प्रशासन ये ऐसे धक्के दे रहे हैं, तो हमारी आम जनता का क्या होगा? ये जनता कहाँ जाएगी? और ये सालों से ये क्या आपके उत्तर भारतीय हमारे महिलाओं का हक छीन लेना चाहते हैं क्या? ऐसा इरादा है क्या कि उनको इधर छठ पूजा नहीं, सिर्फ गणपति विसर्जन के हिसाब से क्यों तालाब की डिज़ाइनिंग किया गया अगर ऐसा वो बता रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में और भी त्योहारें हैं जो तालाब के किनारे जाते हैं, दीपक जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, ऐसे कई त्यौहार हैं,
तो एक ही त्यौहार को नज़र में रख के क्यों बनाया गया? अभी ये वो और आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आपके वार्ड में ये तालाब बन रहा है तो इसका डिज़ाइनिंग कैसा है और कौन कॉन्ट्रैक्टर है इसका, कैसा बना रहा है, इतना गंदा पानी क्यों, ये आपकी भी जिम्मेदारी थी, आपने भी क्यों देखरेख नहीं की? अभी क्या हुआ, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी तो और जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इंजीनियर वगैरह थे, जो ये जो फाइल वगैरह सब बना रहे थे और जो डिज़ाइन उनको कैसा, उन्होंने उनको एक उनकी भी एक जिम्मेदारी थी कि हम चार नगर सेवक हैं तो हर नगर सेवक को उनको ये बुला के कि हम ऐसा तालाब का काम करें बताना चाहिए था, लेकिन वो हमारे पास आए ही नहीं, उन्होंने बताया नहीं हमको। तो इसके लिए नहीं तो हम उस टाइम उनको कुछ सजेशन करते थे ना, हमारा इधर उत्तर प्रदेश समाज है, छठ पूजा भी होती है और भी कार्यक्रम होते हैं। नहीं ठीक है, आपको बताया नहीं, जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना बड़ा यहाँ पर बाउंड्री वाल तालाब के किनारे लगाया गया, ये तो जानकारी आपको मिली होगी कि यहाँ काम हो रहा है, तो आपको आकर देखना चाहिए ना कि हमारे वार्ड में कैसा काम हो रहा है, हमें जानकारी नहीं दी गई, कौन बना रहा है इसे। अभी इसके लिए कैसे है कि बीच में जो कोरोना का ये था, इसमें सब ये काम थोड़ा बंद भी था, तो वो उस हिसाब से हमसे रह गए ये कि इसका ये लेना, लेकिन हम आते जाते इसको देखते थे, लेकिन छठ गए साल में कोरोना की छठ पूजा नहीं हो गई थी तो उसके वजह से थोड़ा हमसे भी रह गए वो तो। अच्छा, अभी अभी कैसे करेंगे इसमें छठ पूजा, जब आप कह रहे हैं कि तमाम जो टीएमसी के अधिकारियों को आप फ़ोन कर रहे हैं, नंबरों का खेल चल रहा है, इसको नंबर लो, उसको फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो, जो है 10 तारीख को छठ पूजा है, तो ऐसे में इतना गंदा पानी है, इसमें कैसे महिलाएँ जाएँगी, कैसे यहाँ पर छठ पूजा होगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? 31 तारीख को ये जो है आंदोलन पर भी बैठेंगे, तो अभी तो वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कि हम टेम्पररी कुछ इधर पायरी करके दे रहे हैं और थोड़ा ये डाल के दे रहे हैं, थोड़ा मतलब जब पूजा हो जाए, लेकिन इतना गंदा पानी चढ़ाया जाता है क्या? जल चढ़ाएंगे? हिंदू धर्म में साफ पानी होना चाहिए, इतना गंदा पानी कैसे जल चढ़ाएंगे? तो ये दिक्कतें तो आने वाली है, लेकिन वही हमारा कहना है कि अभी अगर ये तालाब का, मेरी तो इच्छा है कि ऐसे तो पूरा पानी बदली करना पड़ेगा इसका। वो पानी निकाल के फिर नया पानी डालना पड़ेगा और वो ये बहुत दिन का गंदा पानी है, पानी को बास भी आ रहा है, तो ये पूजा उसमें ठीक से नहीं हो, धार्मिक कार्य ठीक से नहीं हो सकता। ये भले वो टेम्पररी भी काम करके देंगे, लेकिन वो भी करने के लिए नहीं कहाँ आ रहे वो लोग, उसके लिए भी हम सुबह में काम चालू करते, कल का काम चालू करते, ऐसे उनका सब चालू है, तो वो भी वो टाइम पर नहीं करके दे रहे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से इन्होंने टीएमसी के अधिकारियों को भी फ़ोन किया, बातचीत की, आपने भी सुना सब कुछ फ़ोन पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये आई हैं आपकी नगर सेविका हैं, ये आई हैं इस्लामुद्दीन, मैं आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे मुद्दे को, जो हिंदू समाज का जो मुद्दा है उसको आप दिखा रहे लोगों को कि हमारे इधर के जो नगर सेवक है पूरे आँख सो गए हैं, आँख बंद करके सो गए, उनको थोड़ा भी हिंदू समाज के उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं नहीं, ये आए हैं ना क्या है? नहीं नहीं, जो और भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो मैडम है हमारे पैनल के चार नगर सेवक है, चार है। हमने पत्र दिए चारों नगर सेवकों को, लेकिन सातपुते मैडम जो है हमें 3 दिन से कॉपरेट कर रही है, किससे बात कर रही है कर सब कर रहे, लेकिन बाकी जो 3 नगर सेवक है, ये रूपाली गोटे, मोरेश किने, राजन किने सर, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब ये हमारे भावनाओं के साथ, हमारे जो हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। इनके बाद इनका अभी क्या होगा, बोल रहे हैं कि टेम्प्रोरी काम करके देंगे, टेम्प्रोरी काम करके देंगे, ये बोल रहे कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे या जो भी बोल रहे, लेकिन उसके बाद अगर कुछ हादसा होता है, कोई औरतें स्लिप करती है, बच्चे गिरते हैं, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसके लिए मुझे वो चाहिए, मुझे टेम्प्रोरी काम बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मेरा जो भी मांग है कि ये पानी को अच्छे से साफ़ करके, खाली करके, इसका पाइवट का जो काम है काम करो, वही मेरी मांग है और कुछ नहीं। अगर इस बार ये नहीं करे तो तुम बोल दो कि नहीं हम कर रहे, ठीक है, हम आंदोलन पे बैठे, तुम आके बोल दो कि ये तुम्हारे समाज के लिए नहीं है, ये छठ पूजा के लिए नहीं है, फिर हम यहाँ के अपने जो भी उत्तर भारतीय लोग हैं उनको हम कहीं और ले जाके छठ पूजा कराएंगे, खड़ी गांव लेके जाएंगे, रेती बंदर पे लेके जाएंगे, तुम बोल दो आके यहाँ पे सबके सामने। चेतना मैडम, अभी सामाजिक कार्यकर्ता है यहाँ की, जिस तरह से यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज बड़ी तादाद में रहता है, तालाब के हालात आप देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ ये खेल खेला जा रहा है? सही, एकदम 100% खेल खेला जा रहा है। जो ठाणे महानगर पालिका का एक तालाब संरक्षण समिति है, हाँ, और वो समिति और वो एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, अगर तालाब का संरक्षण किया जाता है और तालाब की सफाई का ध्यान दिया जाता है तो थाना का जो सेंटर में जो तालाब है, कचराली तालाब है और बाकी जो तालाब है, ये कितने क्लीन है,
हाँ, उस तालाब के मुकाबले में इसकी क्यों नहीं सुरक्षा की जाती, इसको क्यों नहीं संवर्धित किया जाता, इसको क्यों नहीं ठीक से रखा जाता, इसकी साफ़ सफाई क्यों नहीं रखी जाती। ये दूजा भाव तो ज़रूर है और इसके कारण पूरा दुर्लक्ष है। और हमारे यहाँ पर ये नैसर्गिक संपत्ति है तालाब, जिसका संरक्षण करना प्रशासन की जवाबदारी है और प्रशासन वो काम कर रहा है कि नहीं ये देखना ये लोक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर आज जो यहाँ की नगर सेविका है सुनीता ताई, वो यहाँ पर आई थी। बहरहाल इन्होंने तमाम मनपा के अधिकारियों से बात किया है, लेकिन जिस तरह से जो नगर सेविका सुनीता ताई, उन्होंने जो बताया कि एक खेल खेला जा रहा है नंबरों का, कि आप इनका नंबर लीजिए, इनसे संपर्क कीजिए, इनको फ़ोन किया जाता है तो बोलते हैं इनका नंबर लीजिए, इनसे संपर्क कीजिए, यही एक डेढ़ घंटे से यहाँ पर खेल चल रहा है। बहरहाल हालात तालाब की आप लोग देख रहे हैं और ऐसे में जो है छठ पूजा वो करीब आता जा रहा है और जो लोग हैं इनमें भी काफ़ी गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबरा।